हेलो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, जो भी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नाइन्थ और टेंथ में फाउंडेशंस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड और आगे चल के मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी नीट और जेई की तैयारी, बहुत बच्चों की डिमांड रही है। मेरे पास बहुत से मैसेज भी आए कि कुछ ऐसे पॉइंट सर शेयर करिए जिससे हम एक ऐसी हैबिट बना लें कि कुछ भी करें और फाइनली हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ तीन ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगा या तीन ऐसी आदतें हैं जो हैबिट हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटेड सक्सेस है। जी हां, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ तीन आदत, थ्री हैबिट्स एंड गारंटेड सक्सेस नीट एंड जेई। वो तीन बातें क्या हैं समझते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली आदत जो हमें बनानी है, देखिए आदतें हमारी हमने खुद बनाई हैं, अच्छी या गलत। किसी भी चीज को लगातार हम करते जाते हैं, कुछ दिनों में वो हमारी आदत बन जाती है, अच्छी आदत, ठीक है। अगर कुछ गलत आदतें भी हमने बनाई हैं तो हम अलर्ट होके ध्यान देके उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीजें सुधारी हैं। तो पहली आदत जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, पहली हैबिट ये है कि जब भी हम सुबह सो के उठे, अब जब भी मैं सुबह सो के उठने की बात कर रहा हूं तो मेरा सीधा सीधा मैसेज है एटलीस्ट हम मॉर्निंग में 6 AM, 6:30, 6:30 तक सुबह उठ जरूर जाए। और अगर हम सुबह 6 या 6:30 बजे उठ रहे हैं, तकलीफ होगी, मान लो हमारी आदत 7 बजे उठने की थी या 8 बजे, तो धीरे धीरे हमें आदत बनानी है। लेकिन 6 या 6:30 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम, सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने रिलैक्स हुआ, मुंह धोया, सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट आपने बैठ जाना है, जहां पे हम सो रहे हैं उस जगह को छोड़ देना है, बैठना है टेबल पे या कहीं भी, उस जगह को छोड़ के कहीं भी बैठना है और एक काम करना है, हमें 1 घंटा शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी है। अभी बड़ी चीज है, जनरली हम क्या करते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, घूमते हैं, थोड़ा इधर उधर टहलते हैं। मेरा मैसेज है कि शुरुआत का 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझो, आप जब रात भर सो रहे थे तो आपकी बॉडी में एटीपी जनरेट हो रहा था, और सुबह जो आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, शुरुआत का 1 घंटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर उस समय आपने एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत डाल ली तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो कम से कम शुरुआत का पहला 1 घंटा, सो के उठते ही सबसे पहले 1 घंटा आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। और एक और चीज है, पढ़ने के लिए कई बार हम मन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम मन में बैठते हैं या जहां पे हम सो रहे हैं वहीं बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें नींद आती है। और कई बार हम मन में किताबें जरूर खुली रहती हैं लेकिन मन में कुछ और चलता है कि रात को ये नहीं किया, आजकल प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है, घूम नहीं पा रहे हैं, कुछ भी, किताब खुली है लेकिन हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए बहुत हल्की आवाज में मर्मरिंग, बहुत हल्की आवाज में हमें बोल के पढ़ना है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन, अभी हमारी आंखें देख रही हैं, हम बोल भी रहे हैं और माइंड भी सेंस हो रहा है, हमारे सेंसरी ऑर्गन में एटलीस्ट हम 70% एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। तो पहली आदत हमें सुबह सुबह उठ के 1 घंटा एनसीईआरटी को पढ़ना, ये सबसे पहला काम। अब दूसरा काम जो हमें करना है, दूसरा, जब भी हम क्लास में, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या क्लास में जो पढ़ रहे हैं तो हमें अटेंटिव होके हम सीखते हैं, सुनते हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस थी तो हम नोट्स बनाते थे, इधर ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ देखते हैं, हाँ स्नैपशॉट खींच लेते हैं, पिक ले लेते हैं और बाद में उसके नोट्स नहीं बनाते, ये गलत आदत है। हमें एक काम करना है, अगर हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो भी, जो भी क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया हमें उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। मान लेते हैं नोट्स उस समय नहीं बना रहे तो बाद में,
आप कॉपी में उसको लिखिए, और अगर हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं और हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो एक बड़ी आदत है, मैं उसी दिन सेम डे जो क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है। सेम डे टीचर्स ने अगर एक से डेढ़ घंटे में जो कंटेंट हमें पढ़ाया था उसको अगर हम रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें हाफ आवर यानी आधे घंटे समय लगेगा, बट सेम डे करना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिजिक्स है, तो उसमें क्या रिवाइज करना, उसके लिए आपने एक रफ कॉपी लेनी है और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को उन्हीं क्वेश्चंस को रफ कॉपी में 2-3 times प्रैक्टिस करनी है। बट याद रखना है ये सेम डे करना है, क्योंकि जनरली हम जितना भी क्लास में अटेंटिव होके पढ़ते हैं समझते हैं 50-60% ही समझ में आएगा, और अगर हमने सेम डे रिवाइज किया तो 20-25% ये एक्सेलरेट होगा, इंक्रीज करेगा। और हमें अगर प्रैक्टिस कर लिया न्यूमेरिकल्स की तो जो क्लास में हमें 50-60% समझ में आया था अभी ये 70-80% होगा। तो ये दो काम आपको रेगुलर करना है, डेली का नियम बना लीजिए। पहला काम सुबह सुबह सो के उठते ही 1 घंटा में एनसीईआरटी पढ़ने की आदत बनानी है, और दूसरा काम क्लास में जो भी टीचर्स ने सिखाया पढ़ाया उसको हमें सेम डे रिवाइज करना, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसी दिन रफ कॉपी में उनकी प्रैक्टिस करना है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पिक ले लिया है, नहीं नोट्स बना पा रहे हैं, तो उसी दिन फिर से इसको लिखिए और फिर रिवाइज करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दो काम आपको रेगुलर करना, डेली करना। फिर मान लेते हैं कोई चैप्टर 5-6 क्लास में खत्म हो रहा है, जब भी क्लासेस हो रही है आप सुबह डेली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब जब चैप्टर्स खत्म हो गया तब क्या करना, ध्यान से सुनेंगे। जिस दिन आपका ऑफ होगा, जिस दिन आपका स्कूल नहीं है, वो संडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी आपका ऑफ होगा, उस दिन जो चैप्टर्स अगर खत्म हो गया है तो सबसे पहला काम एनसीईआरटी से पूरा का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना। अब डेली हम आधे घंटे 40 मिनट में हम पढ़ रहे थे, 5-6 क्लास में लगभग 1.5-2 घंटे लगेंगे, हम उसको पढ़ते आ रहे हैं, 1.5 घंटे में हम वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। फिर कॉपी जो हमने नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर्स को कॉपी से पढ़ना, चैप्टर खत्म हो गया हमने कॉपी से पढ़ लिया, ये तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। यानी कोई भी चैप्टर हमने मिनिमम 3 times एनसीईआरटी से पढ़ लिया, पहली बार हम डेली पढ़ रहे हैं सुबह आदत बना चुके हैं, दूसरी बार हमने जब टीचर्स ने पढ़ाया था कॉपी में नोट्स हमने पढ़ा था रिवीजन किया था उस समय हम फिर से जाके एनसीईआरटी में उस कंटेंट को पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए, टीचर्स ने अगर 1.5 घंटे में जो कंटेंट पढ़ाया है क्लास में, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ में होगा, कुछ लाइनें होंगी, उसको भी हम उसी दिन पढ़ेंगे, यानी जो भी हम सेम डे कर रहे हैं। अब कंक्लूड करूंगा अगर तीसरी आदत के बारे में, तो मिनिमम कोई भी चैप्टर्स हमने 3 times एनसीईआरटी पढ़ ली, पहला पॉइंट्स, 3 times हमने कॉपी पढ़ लिया है, क्योंकि कॉपी हम उस दिन जब भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया है, उसको रिवाइज किया है, और जब चैप्टर्स खत्म हो गया तो दूसरी बार भी किया है। अगर कंक्लूड करें कि मिनिमम 3 times एनसीईआरटी और एटलीस्ट 2 times कॉपी पढ़ने के बाद, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मिनिमम 3 times एनसीईआरटी और 2 times कॉपी पढ़ने के बाद किसी भी चैप्टर्स के। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और यही हम गलती करते थे। जनरली हम कुछ भी किताब पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बिना कॉन्फिडेंस के करने लगते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। आप खुद को क्वेश्चन पूछिए, एश्योरेंस अपने से लीजिए कि हमने क्या इस चैप्टर्स को 3 times एनसीईआरटी से पढ़ा है 1 हफ्ते के अंदर, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जवाब यस आए तो अगला क्वेश्चन, हमने कॉपी टीचर्स के नोट्स मिनिमम 2 times पढ़े हैं, जवाब हाँ आना चाहिए, उसके बाद अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी पहले हम प्रीवियस ईयर्स के, यानी अगर नीट है तो लास्ट 10 or 15 years के, जेई है तो लास्ट जेई मीन्स के 10 or 15 years के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और यह तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। और रेगुलर बेसिस पे ये 3 चीजें हमें लगातार रिपीट करते रहनी है, हर 1 महीने पे ये 3 basic आदतें हैं। मैं एक बात आपको एक्सप्लेन करूं, देखो ध्यान से समझो, प्रॉब्लम्स और सिचुएशन कितनी भी टफ हो,
एक आदत अपने आप बना लो। आपने एक लाइन सुनी होगी, किसी भी कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको तीन बेसिक आदतें बना रहा हूं जिसमें आप थोड़े से समय में भी रेगुलर, आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ के, 4 से 5 घंटे भी पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है और आप देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज या टॉप मोस्ट IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन आदतों को बनाना होगा। एक बहुत बड़ी चीज, टफ सिचुएशन कोविड की, पेंडेमिक की है, प्रॉब्लम्स काफी है, लेकिन हमें हमारी हिम्मत और हमें हमारे जज्बे को बरकरार रखना है। और एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वैसे मैं कह देता हूं, बोला भी गया है कि टहनी जो शाखे होती हैं, ब्रांचेस होती है, शाखों से टूट जाएं वो दरख्ते पत्ते नहीं हैं हम। जी हाँ, शाखों से टूट जाएं वो दरख्ते पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, संभालो। ये तीन बेसिक आदतें मैं एक लाइन में फिर से समझा दूं, सुबह सुबह उठ के 1 घंटा मिनिमम अपने NCERT को पढ़ना है, हल्का सा बोल के पढ़ना है, उसके बाद आप ब्रश करिए, रिलैक्स होइए, तैयार होइए, लेकिन शुरुआत का 1 घंटा आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। सुबह का 1 घंटा दिन के समय के 2 से 2.5 घंटे पे भी भारी पड़ता है। जब सो के उठो 6:30 बजे सबसे पहला 1 घंटा NCERT पढ़ने की आदत डालो। दूसरा पॉइंट, टीचर्स ने जो भी सिखाया अपने एक्सपीरियंस से, अपने नोट्स बनाया है, उसको उसी दिन उसी समय रिवाइज करो, और अगर न्यूमेरिकल पोर्शन है तो रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करो। और तीसरी चीज, मिनिमम 3 times NCERT और 2 times 2 बार कॉपी पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, और इन चीजों को बार बार रिपीट करते रहना है। ये तीन ऐसी बेसिक आदत आपको बनानी है। गारंटेड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस हूं और बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं। आपने सिर्फ इन चीजों की, तीन चीजों की आदत बना ली, 100% आप सेलेक्ट होंगे, आपका सिलेक्शन मिलेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।